आज हमारे आरोग्य सभा में माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं और आपको हम एक शीशम के पेड़ के बारे में बता रहे, उसकी पत्तियों के बारे में बता रहे, उसका क्या लाभ। जैसे आजकल ना माँ बहनों को ना लिकोरिया की बीमारी बहुत ज्यादा मात्रा में, गर्भाशय से पानी निकलता है, बाद में छोटी उम्र में ही बेटियों को बहनों को गर्भाशय काट करके निकलवाना पड़ता है या गर्भाशय बाहर निकल जाता है, गर्भाशय यानी यूटेरस प्रोलेप्स कर जाता है। तो उन सभी समस्याओं से मुक्ति के लिए शीशम के 8-10 पत्ता तोड़कर के धोकर के मुंह में डालकर गर्मी के दिनों में थोड़ा मिश्री मिलाकर चबा चबा करके निकल जाइए। जाड़ा का दिन हो तो थोड़ा सा आप मिश्री 7-8 पत्ता शीशम का और 1 या 2 काली मिर्च मिला करके चबा करके सुबह प्रातः वेला में आप निगल जाइएगा तो लिकोरिया की बीमारी, जिनको ज्यादा गर्मी है शरीर में, धुंध दे रहा है पेट में, जलन है, उसको पिलाइए। जिसको कहते हैं ना कि प्रसूत की बीमारी हो गई, तलवा में जलन हो रहा है, या जिसको हथेली में तलवे में बेजवाजा पसीना निकलता है, उसके लिए शीशम के पत्ते का आप रस 1 चम्मच निकाल करके या मुंह में डाल के चबा चबा करके निकलवा दीजिए। ये बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। साथ ही साथ भाइयों में भी धातु निकलता है, धातु निकलने की बीमारी उनमें भी काम आता है। बहनों को लिकोरिया के लिए तो रामबाण दवा है, इससे बढ़कर ये मासिक धर्म में अनियमितता हो जाती है। मासिक धर्म आने के पहले पेट में तेज दर्द होता है, मासिक धर्म के दौरान ज्यादा खून निकलता है, ब्लीडिंग ज्यादा होता है, उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी हमारा शीशम का पत्ता है। बस आप इसके गुणों को, आप इसके लाभ को आत्मसात करके प्रयोग विधि को जान करके विधि पूर्वक अभ्यास करेंगे तो जीवन में कभी भी आपको इस प्रकार की बीमारियां नहीं होंगी। 21 दिन कम से कम। तो अब मैं आपको 2-3 चीज और प्रमुख चीजों पर ध्यान आकर्षित कराऊंगा, इसके बाद हम कार्यक्रम को समापन की तरफ ले चलेंगे। आजकल ना ज्यादातर तनाव की बीमारियां हैं, 99% बीमारी वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि 99% बीमारियां तनाव से हो रही है, क्रोध से हो रहा है, चिड़चिड़ापन से हो रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा से हो रहा है, आपस में प्रेम खत्म करके वैमनस्य से हो रहा है, भाईचारा खत्म होने से हो रहा है। उसकी प्रमुख बीमारियां हैं, पहले तो गैस कब्ज बनेगा, फिर हृदय खराब होगा, हार्ट की बीमारी, धड़कन कम बेसी होगा, फिर किडनी खराब होगा, फिर लीवर खराब होगा, फिर शुगर की बीमारियां होंगी, नींद नहीं आएगी, ब्लड प्रेशर होगा, और इतनी बीमारियां हो जाने पर आप समझ सकते हैं कि फिर क्या होगा। फिर तो वही राम नाम सत्य होगा, नाम तो सत्य है ही, लेकिन हमें मरना है, लेकिन बिना बीमारी के मरना। मरेंगे सब मरेंगे, लेकिन हंसते हुए मरेंगे। ऐसा नहीं कि शुगर होके मर गए, नहीं, लकवा होकर के मर गए, इसलिए